है जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजी गई प्रमुख स्थल हम आपको बताए थे, पहला स्थल हड़प्पा स्थल, अब है जो दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो, है ना। यानी क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता में दूसरी खोजी गई प्रमुख स्थल कौन है, मोहनजोदड़ो, मोहन जोदड़ो, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो को निम्न नामों से जाना जाता है, मोहनजोदड़ो के पांच नामों से जाना जाता है। पहले क्या हो गया, तो मुर्दों का टीला, दूसरा क्या हो गया, प्रेतों का टीला, तीसरा क्या हो गया, दुर्ग का टीला, दुर्ग का टीला, चौथा हो गया सिंध का बाघ, सिंध का बाघ, पांचवा हो गया सिंध का नकली स्थान, नकली स्थान। तो यानी क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजी गई दूसरी प्रमुख स्थल क्या है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को निम्न नामों से जाना जाता है, निम्न नामों से जाना जाता है, निम्न नामों से जाना जाता है, वो कौन है, मुर्दों का टीला, प्रेतों का टीला, दुर्ग का टीला, सिंध का बाग और सिंध का नकली स्थान। और ये जो मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में कहाँ है, तो आपका पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस प्रांत में, तो सिंध प्रांत में। किस जिला में, तो लारकाना जिला में स्थित है। और ये कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है, तो 170 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो जो अगला हम बताएंगे कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, तो मोहनजोदड़ो का जो निर्देशन हुआ, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही हुआ। मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता किस कौन है, तो राखालदास बनर्जी। उत्खनन वर्ष कब, 1922, है ना। किस नदी पर, तो सिंध नदी पर। देश पाकिस्तान, प्रांत सिंध, जिला लरकाना, और कितना क्षेत्रफल है, कितना हेक्टेयर में फैला हुआ, तो 170 हेक्टेयर में फैला हुआ। जो अगला जो बता रहे हैं वो देखिए, तो यानी अभी यहाँ देखते हैं, मुर्दों का टीला, प्रेतों का टीला, दुर्ग का टीला, सिंध का वा और सिंध का नखलिस्तान। तो कभी कभी आपको परीक्षा में आता है सिंध का नखलिस्तान किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो का, और मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ये दो हमेशा, और सिंध का बाग, ठीक है। अब है जो देखो क्या है, जो मोहनजोदड़ो का निर्देशन किसके निर्देशन में हुआ, तो आपका हो गया जॉन मार्शल। जॉन मार्शल उत्खनन करता, उत्खनन करता राखल दास बनर्जी, उत्खनन वर्ष कब हुआ, 1922। नदी सिंधु, देश पाकिस्तान, प्रांत यानी राज सिंध, जिला लरकाना, कितना हेक्टेयर में क्षेत्रफल, कितना हेक्टेयर में फैला हुआ है, 170 हेक्टेयर। तो यानी क्या हो गया, सिंधु घाटी का जो दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो का निर्देशन किसके नेतृत्व में हुआ, जॉन मार्शल। उत्खनन करता है राखालदास बनर्जी। उत्खनन वर्ष 1922, 1922। नदी सिंधु, देश पाकिस्तान, प्रांत सिंध, जिला लरकाना, क्षेत्र पर 170 हेक्टेयर में फैला हुआ। अब जो बताएंगे आपको, जो मोहनजोदड़ो में जो अवशेष प्राप्त हुआ, उसमें सबसे प्रमुख अवशेष क्या है, स्नानागार, विशाल स्नानागार जो हर एक एग्जाम में आता है। ये स्नानागार क्या है, जो पूरब से पश्चिम कितना में फैला हुआ है, 32.9
मीटर में और उत्तर से दक्षिण 54.16 मीटर में फैला हुआ है। और ये मोहनजोदड़ो के में स्नानागार मिला है और स्नानागार के बगल में ही स्नान कुंड मिला है ना। वो स्नान कुंड की लंबाई कितना हो गया, लंबाई हो गया 11.1 और तुम्हारा क्या हो गया चौड़ाई है ना 7.1 और गहराई 2.44। तो यानी क्या हो गया मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार और स्नान कुंड प्राप्त हुए। मेनली प्रमुख इसको जाना जाता है या पुरोहित की मूर्ति या क्या है उसको कहते हैं पुजारी की मूर्ति और कांसे के नृत्य करती हुई नारी जो अवशेष। अब देखिए क्या क्या मोहनजोदड़ो से अवशेष प्राप्त हुए हैं। अवशेष प्रमुख अवशेष तो सबसे पहला आपका हो गया स्नानागार। स्नानागार ये मतलब आता है कि सिंधु घाटी यानी स्नानागार विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ तो मोहनजोदड़ो से। तो ये पूरब से पश्चिम में इसकी पूरब से पश्चिम 32.9 मीटर और उत्तर से दक्षिण उत्तर से दक्षिण 54.86 मीटर। और इसी के बगल में स्नानागार के बगल में ही क्या मिला है स्नान कुंड है ना। क्या मिला स्नान कुंड मिला। इसकी लंबाई कितनी है तो 11.1 यानी इसकी लंबाई 11.89 मीटर। अब चौड़ाई क्या हो गया चौड़ाई हो गया 7.1 मीटर और गहराई 2.44 मीटर। तो ये स्नानागार के बगल में स्नान कुंड मिला है। इसके अलावा और क्या मिला है जो क्या है सूती कपड़ा क्या मिला है सूती। तीसरा क्या हो गया सूती कपड़ा और चौथा क्या हो गया हाथी के कपाल खंड है ना। हाथी का कपाल खंड ठीक है। उसके आगे पचवा देखिए पुरोहित का मूर्ति अर्थात पुजारी का मूर्ति यानी क्या हो गया मोहनजोदड़ो से जो प्रमुख अवशेष प्राप्त हुए स्नानागार। ये पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी 32.9 मीटर उत्तर से दक्षिण 54.86। उसके बाद क्या स्नान कुंड मिला उसकी लंबाई 11.89 मीटर है ना चौड़ाई 7.1 और गहराई 2.44 और इसके अलावा सूती कपड़ा हाथी का कपाल खंड ठीक है। उसके बाद अगला बता रहे हैं छह कुंभकारों के भट्टे मिले हैं ठीक है। पांचवा पुरोहित की मूर्ति अर्थात पुजारी की मूर्ति छठा उसके बाद क्या हो गया कांसे की नृत्यरत नारी। फिर क्या है सतमा फिर आपका हो गया गले हुए तांबे का ढेर फिर सीपी की बनी पटरी आठवां सीपी की बनी पटरी
तो ये सब क्या है जो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजी गई दूसरी स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, है ना। ये आपको एग्जाम में पूछता है कि पुरोहित की मूर्ति हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है, है ना। पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है, स्नानागार कहाँ से मिली है, स्नान कुंड कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो किस सभ्यता का दिन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा खोजी गई स्थल है। अब इसके बाद आगे हम आपको बताएंगे।